आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूँ, अगर उनको डिफाइन किया जाए तो डेफिनेशन बहुत लंबी है। बहुत सारी सफल चीज़ें हैं जो उनके गुड बुक्स में हैं। एक बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं, बहुत अच्छी बिजनेस वुमन भी हैं, और एक बहुत अच्छी पत्नी भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिव्या की। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू थैंक दिव्या, डबल सेलिब्रेशन है। एक तो आपका बर्थडे था, 100 मिलियन व्यूज, कैसा लग रहा है? मतलब एक होता है कि बटरफ्लाइज होती हैं इन द स्टमक, जो रेनबो होता है इतना हाई होता है इस वक्त, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुश और थैंकफुल ऑडियंस का, बिकॉज जब ये गाना याद भी आके आने लगे, हम शूट कर रहे थे तब ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि कितने मिलियन हो जाएगा। बस हमने बहुत हार्ड वर्क और मेहनत के साथ गाना बनाया और अब इतना सफल हो रहा है। सब लोग, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे सोशल मीडिया पर भी। इवन फॉरनर्स वीडियो बना बना के मुझे भेज रहे हैं और वही सेम आउटफिट्स पहनकर, मेरी जो जीन्स है वीडियो में, जो टॉप है वैसा ही फ्रिंज बनाकर, वो छोटी बनाकर और स्टेप्स कर कर, और ऑल ओवर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो आई एम जस्ट सो थैंकफुल। दिव्या, बहुत सारे लोगों के जहन में बात थी, मैंने भी कही जब मैंने सॉन्ग देखा आपका, तो लोगों ने पूछा कि दिव्या से पूछने हैं कि यही गाना याद पिया की आने लगी, कि उनका क्यों चूज़ किया, और एक गाना क्योंकि ये वो गाना है जो हमने देखा इतना हिट हुआ था और जहन में आज भी है, जब भी बजता है तो खुद ही जो लफ्ज़ है वो जो होते गुनगुनाने लगते हैं। एक्चुअली मैंने तो बिल्कुल चूज़ नहीं किया, जो डायरेक्टर्स है राधिका राव और विनय सप्रू, उन्होंने ओरिजिनल गाना क्रिएट किया था, तो वो ओरिजिनल गाने के क्रिएटर्स थे। उन्होंने डायरेक्ट भी किया था वो वीडियो, और वो फाल्गुनी को ऑन बोर्ड एज अ सिंगर लेकर आए थे, उसको लॉन्च किया था इंडस्ट्री में। ललित सेन जी जो म्यूज़िक कंपोजर है, उनसे म्यूज़िक करवाया था, और वो ही अपना गाना रिक्रिएट कर रहे थे। सो देन दे हैड सीन मी इन अ शॉर्ट फिल्म बुलबुल, जिसमें मैंने एक्टिंग की थी, तो उनको दे फेल्ट यू नो दैट आई वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू देयर स्टोरी, जो उन्होंने स्टोरी लिखी हुई थी सितारा की लड़की की कैरेक्टर की। तो बस दे कॉल्ड मी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑन बोर्ड, बिकॉज दे आर वेरी ब्रिलियंट एंड यू नो इन ऑल दिस म्यूजिक वीडियोज एंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो। आई वॉज एक्साइटेड टू वर्क विद दैम। अदरी, आपने जब सॉन्ग देखा तो उसका रोबोटिक लव स्टोरी जो स्टार था, बहुत ही टैकी था, बहुत ही एकदम आई कैची था। ये क्या था, कौन सी भविष्य की कौन सी लव स्टोरी आप दिखाना चाहते? सो दिस वॉज यू नो कि जब हम आजकल अपनी हर मोमेंट रिकॉर्ड करते हैं फ़ोन पर, अभी भी आप देखिए वो हमें शूट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, तो जब हम सब दुनिया, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो दुनिया में नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग बचेंगी, बहुत हम सब की, तो तब एक रोबोट को एक रिकॉर्डिंग मिलती है कैमरा में, जिसे वो ऑन करता है और देखता है कि एक लड़की की कहानी है सितारा की, जिससे उसको प्यार हो जाता है। बट क्योंकि कैमरा चार्ज नहीं होता, तो वो खुद की बैटरी, खुद की बॉडी से उसे प्लग इन कर देता है, जिसकी वजह से रोबोट की पूरी बैटरी ख़त्म हो जाती है और वो बेचारा गिर जाता है। एंड देन ही प्रेसेस द हेल्प बटन, द SOS बटन ऑन हिज बॉडी, और वो हेल्प का सिग्नल जाता है एक दूसरे प्लैनेट पे, जहाँ पर कोइंसिडेंटली जो लड़की उसको हेल्प भेजती है वो सितारा जैसी दिखती होती है। सो ऐसी कहानी थी, बहुत डिफरेंट उन्होंने बनाई, और VFX जो उन्होंने क्रिएट किए बहुत ही हाई लेवल के थे। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं एकदम इंटरनेशनल लेवल के VFX थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने कहानी को बुना। मैं तो सिर्फ सितारा का किरदार निभा रही थी। तो या जैसे गाने के बोल हैं, याद किया कि आने लगी, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जहन में आपके, एक 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 कोई ऐसी चीज़ जो जब आप जब अपने पिया जो आपके हस्बैंड हैं जब याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, वो कौन सी चीज़ जहन में आती है आपके सबसे पहले? आई थिंक वंस ऑन वैलेंटाइंस डे वो मेरे लिए बहुत बड़ा टेडी बेयर लेकर आए थे, जो कि दरवाजे से भी अंदर नहीं आ रहा था। सो आई थिंक दैट हमने, जैसे मैं पढ़ रहा था कि जो दिव्या थी दिल्ली की लड़की थी, लेकिन बहुत ईजी नहीं था भूषण जी आपको इम्प्रेस करना, बहुत खैर लव स्टोरीज है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और इधर भी उन्होंने आपके लिए कुछ इन्विटेशंस गए थे शादी के, और वहाँ पे आपके मॉम डैड ने उनको देखा था, तो कैसा रहा ये सारा? आई थिंक बहुत अच्छा रहा, पर अभी तो मैं याद पिया के लिए, यू नो आई वुड लाइक टू लाइक फोकस ऑन याद पिया ओनली राइट नाउ। इट इज ऑल अबाउट लव स्टोरीज, क्योंकि हमने देखा आपके, तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग टू रिकॉल सम मोमेंट ऑफ योर्स फ्रॉम दैट लव स्टोरी। सो आई थिंक वो तो बहुत लंबी कहानी है, मतलब अभी आपके अभी छोटे से इंटरव्यू में तो आएगी भी नहीं, आपको उसके लिए अलग एक सेगमेंट बना के मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा, टू नो माई लव स्टोरी एंड टू नो माई स्टोरी। तो दिव्या, फोकस अब देखो कि सिंगल जो एल्बम्स होती है, जो सॉन्ग्स होते हैं, वो ज़्यादा टैगी होते हैं, क्योंकि वो एक पूरी फिल्म होती है। अब जब हम पहले सॉन्ग्स देखे, अब आपके देखे, पूरी फिल्म में हम उसको समा जाते हैं, तो लगता है कि ये ऐसे जो सॉन्ग्स हैं जो रिमिक्स हो रहे, उनका जो पुराने रिमिक्स, जैसे भूषण जी से बात हो रही थी,
कि बहुत पसंद किए जा रहे हैं दोबारा, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको सही तरीके से नहीं गाया गया या सही तरीके से पेश नहीं किया गया, उसके लिए आप करेंगे? सो यू नो मैं 90s की लड़की हूँ, मतलब 90s में मेरा बचपन जब बीता, तो मुझे तो वो पॉप का जो ज़माना था जब ओरिजिनल क्रिएट होते थे पॉप में, बहुत मज़ा आता था उनको सुनकर, उन पे डांस करके. और ऑल्सो जो आशा भोसले जी ने रिक्रिएट किए अपने सारे 60s के गाने, वो भी मैंने बहुत इन्जॉय किए. और अगर मैं तब नहीं सुनती, 90s में वो रिक्रिएट नहीं होते, तो मैं वो गाने कहीं ना कहीं मुझे लगता है खो जाते 60s के ही दशक में, 60s 70s के ही दशक में. सो आई थिंक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है आज की जनरेशन ने क्योंकि याद किया, सुना ही नहीं है, इसीलिए इतने, मतलब 100 मिलियन 110 मिलियन हम होने वाले हैं, तो इतने व्यूज़ मिल गए बिकॉज पीपल आर इन्जॉइंग और दर्शक पसंद कर रहे हैं. नहीं तो व्यूज़ तो बहुत मुश्किल है ऐसे आना, लाइक्स भी इतने ज़्यादा है वीडियो के ऊपर. तो आई थिंक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो कि यू नो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक म्यूज़िक आ गया फिर वो एक बस कैटलॉग बन के रह जाता है. इट्स पार्ट ऑफ अ इंडियन लेगेसी, एंड अ ट्यून जो होती है उसको बार बार वी शुड रिवाइज इट, गो बैक टू इट, लिसन इट, इन्जॉय इट. और जब ये गाना न्यूज़ ही आई थी कि ये गाना रिक्रिएट होना है, तो तब भी से फाल्गुनी जी का वो गाना बजना शुरू हो गया, इवन टिकटॉक वगैरह पे. नहीं तो ये गाना किसी के जहन में था ही नहीं अक्टूबर से पहले, जब मैं पहली बार एक टीवी प्रोग्राम में गई और मैंने वहाँ पे बोला कि मैं ये आने वाला है जल्दी, इस पर मैं शूट करने वाली हूँ. तो तब से अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही बजना शुरू हो गया और लोगों के जहन में आ गया. बट आजकल की जनरेशन जिन्होंने सुना ही नहीं है, उनके लिए तो मतलब दे आर इन्जॉइंग इट सो मच, एंड इवन अदर्स आर इन्जॉइंग इट सो मच. सो कई लोग ऐसे समझते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यूज़िक सिर्फ एक जनरेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए. मतलब म्यूज़िक इज़ सच अ पॉजिटिव थिंग, इट शुड जस्ट ट्रैवल अक्रॉस बाउंड्रीज, थ्रू अक्रॉस हार्ट्स, एंड इट शुड बी एंजॉयड बाय ऑल जनरेशन. तो आपको लगता है कि जो उन लोगों का ये भी मानना है कि जो ओरिजिनलिटी है जो गाने की जो हम सुनते थे पुराने, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो के उसको नई तरीके से जो पेशकश ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि खो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पे तो आई थिंक म्यूज़िक कंपोजर्स ही बोल सकते हैं, बिकॉज ललित सेन जी जिनकी ये ओरिजिनल कॉम्पोजिशन थी याद किया कि आने लगी, वो आए थे मेरे लॉन्च पे, हमने उनको भी इनवाइट किया था, तो वो आए और उन्होंने खुद सारे मीडिया के सामने कहा कि बहुत ही अच्छा रिक्रिएट किया तनिष्क ने. नहीं तो और एक कंपोजर जिसकी खुद की धुन होती है, उनको कहीं ना कहीं पोजेसिवनेस रहती है कि मेरी धुन रिक्रिएट हुई, बट उनको उन्होंने इतना सराहा कि इतनी अच्छी रिक्रिएशन की, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. सो आई थिंक हर किसी का व्यू अलग होता है. मुझे तो अब जैसे मैंने 60s के गाने तब इन्जॉय किया, अगर तब 60 के दशक के लोग खड़े हो जाते, जैसे हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, वो बोलते कि अरे मैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते अरे ये क्यों बना दिया 90s के बच्चों के लिए, ये तो हमारी जनरेशन का था, तो आप सोचिए कितना गलत लगता, यू नो, बिकॉज एक धुन होती है और वी शुड जस्ट इन्जॉय इट. हमारी भारतीय कल्चर का वो हिस्सा है, वो मेलोडी है, और उसे बार बार हर जनरेशन के को के लिए पेश करके उसे इंजॉय करना चाहिए. दिव्या इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रही हैं दिव्या? क्योंकि बहुत सारे जब भी जाती है सरप्राइज का ऐसा पिटारा खोलती है और इतनी बेहतरीन चीज़ों को लेके आती है, इसके बाद याद किया क्या के बाद क्या लेके आती है? सो अभी तो मैं एक फिल्म कर रही हूँ सत्यमेव जयते 2 जॉन इब्राहिम के साथ, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट. 2 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर वो पिक्चर आएगी, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड टू यू नो डू दैट. मिलाप ज़वेरी डायरेक्टर है पिक्चर के. मैम अपने फैंस को जाते थे क्या कहना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरा गाना इतना पसंद किया, सो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू टॉकिंग टू अस दिव्या. थैंक यू दिव्या हमारे साथ ही. उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो जो गाने की ओरिजिनलिटी है, लेकिन दिव्या ने बहुत अच्छी बात कही कि जो गाने कहीं ना कहीं एक शोपीस बन के नहीं रहना चाहते, जो पुरानी धुन है वो नई तरीके से रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसको सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं. वही फेवरेट गाने दिव्या एक बार आपके लिए लेके आई है, तो हम भी यही पेश करते हैं. चार्ट नंबर्स पे तो नंबर वन है ही, और यही जो धुन है जो दिव्या की कोशिश है कि बार बार जो पुराने गाने नए फ्लेवर्स में लाती है उनको ये लाती रहे और हम ऐसे गाने को इन्जॉय करते रहे. वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, नोएडा.